है हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू हैकर्स कॉलोनी वंस अगेन एंड दिस अदर। सो इस आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इस कैसे हम काली नेट हंटर को अपने तरमक्स में इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी बिना रूट किए हुए। तो वैसे काफ़ी इजी एंड सिंपल तरीका है जिससे आप अपने फ़ोन में काली नेट हंटर को इंस्टॉल करके लिनक्स का सारा फायदा फोन में ले सकते हो बिना रूट किए हुए। तो करना क्या गाइस, सिंपली वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखो गाइस। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना गाइस, ताकि अगले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, तो कैसे सबसे पहले आपको थर्मस को डाउनलोड कर लेना है ऐप ड्रॉइड से। और अगर आपको नहीं पता थर्मस कैसे डाउनलोड करते हैं तो मैंने उसके डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप वीडियो देख के भी डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले थर्मस को ऑन कर लेना है, उसके बाद पहले कमांड को टाइप करना है APT अपडेट एंड APT अपग्रेड टाइप करके इंटर करना है। इससे क्या होगा कि आपके थर्मस में इतनी टूल्स पैकेजेस सारे अपग्रेड एंड अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्मस में परमिशन देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थर्मस -setup-storage टाइप करके इंटर करेंगे, इससे थर्मस में परमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर डू यू वांट टू कंटिन्यू YNN तो यहाँ पे आपको Y टाइप करके इंटर करना है, जिससे थर्मस को परमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको पहला कमांड टाइप करना है PKG install WGET, ठीक है। ये टाइप करके आपको इंटर करना है तो ये हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा इस, तो आपको नेक्स्ट कमांड टाइप करना है WGET, फिर आपको स्पेस देना है, फिर आपको हाइफन देखिए 0 देना है, फिर इंस्टॉल -nethunter-thermux https://ofs.ec/2mcezwr ये आपको टाइप करना है, ठीक है। इसके जो ये लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको इंटर करना है। इंटर करने के बाद गाइस ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मेरे में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बट आप जब इसको ये कमांड को रन करोगे ना तो ऑलमोस्ट कम से कम 5-10 मिनट लेगा इस, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। ये थोड़ा स्टॉप रहेगा और इंस्टॉल होगा, तो इसलिए वीडियो में ज़्यादा लंबा टाइम मैं नहीं दे सकता, इसलिए मैंने आपको वो पार्ट को मतलब मैंने ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल करके आपको रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वही कमांड हो जाएगा, तो नेक्स्ट कमांड टाइप करना है CHMOD -install-nethunter-thermux करके इंटर करना है। उसके बाद कैसे आपको लास्ट कमांड टाइप करना है, ठीक है, /install-nethunter-thermux, ठीक है। ये टाइप करके आपको इंटर करना है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप काली आ गया, ठीक है, काली लिखा हुआ आ जाएगा। तो गाइस क्या करना है, यहाँ पे आपको चेक करना है चेकिंग डिवाइस आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे ऑप्शंस होंगे नेट हंटर आर्मेचर 64 मिनिमल नैनो, तो आपको कौन सा अपने आपको डाउनलोड करना है उसको चूज़ करना है, ठीक है। अब आपके हिसाब से करना है, आपके फ़ोन में कितना स्टोरेज है उसके हिसाब से। अब मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्टोरेज है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 चूज़ करूँगा जो कि नेट हंटर आर्मेचर 64 फुल है, ठीक है। ये टाइप पर इंटर करूँगा और यहाँ पे एग्जिस्टिंग रूफ डायरेक्टरी फाउंड डिलीट एंड क्रिएट न्यू वन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वाई करना है, ठीक है। फिलहाल मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है तो मैं एन करूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे वाई कर, आप यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा डायरेक्टली इंस्टॉल में स्टार्ट जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इस वजह से मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। बट आप में ऐसे ये नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको वेट करना है। उसके बाद जैसे ये देखो आप, उसके बाद जब आपका वो इंस्टॉल स्टार्ट हो जाएगा तो वो भी 5-10 मिनट लेगा। जब वो हो जाएगा इस कुछ देखने को ऐसा मिल जाएगा, कालनेट हंटर फॉर थर्मस इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब यहाँ पे गाइस ऑप्शन सारा कुछ दे रखा है, वन बाय वन सारा कुछ आप ट्राई कर सकते हो। फिलहाल अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे तो स्टार्ट काली नेट हंटर टाइप नेट हंटर, राइट। तो आपको नेट स्टार्ट करने के लिए सिंपल टाइप करना है NETHUNTER टाइप करके आपको इंटर करना है, सिर्फ नेट हंटर टाइप इंटर करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको काली का लोकल होस्ट आ गया, जिसका मतलब है आप काली के अंदर घुस गए हो, काली नेट हंटर के अंदर आप आ चुके हो। अब यहाँ पे गाइस क्या करना है, आपको परमिशन देना है sudo टाइप करोगे, देखो यहाँ पे आ गया sudo का परमिशन, यानी कि आपका फोन में आपको रूट एक्सेस मिल गया बिना रूट किए हुए काली नेट हंटर के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे टाइप करेंगे sudo -h, ठीक है, ये ऊपर में कमांड है, मैं इसे ले रहा हूँ, आप भी ले सकते हो। फिर सब टाइप करेंगे sudo -v, ठीक है। आप यहाँ पे गाइस मांग रहा है पासवर्ड फॉर काली, तो बस पासवर्ड फॉर काली क्या होता है, डिफॉल्ट जो पासवर्ड होता है वो KALI होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल जो लिखा हुआ यही कॉपी करके पेस्ट कर देना है, या फिर KALI टाइप करके इंटर करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ले लेगा, देखो आप पासवर्ड ले लिया, अब इंटर हो गया, आप sudo फिर से टाइप करके चेक करेंगे, sudo -v इंटर करेंगे, देखो ले लिया, पासवर्ड नहीं मांगा, यानी कि इंस्टॉल हो गया है। तो बस इस तरीके से गाइस हमने अपने थर्मस में काली नेट हंटर इंस्टॉल किया बिना रूट किए हुए। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी गाइस, ये सिंपल था। आपको मैं इससे आगे का प्रोसेस दिखाऊँ जिसमें आपको
पूरा काली का इंटरफेस आपके फ़ोन में मिलेगा, वो मैं पार्ट टू में बनाऊंगा गाइस। तो फिलहाल आप यहाँ से भी इसमें काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, काफ़ी सारी ये देखिए लाइक परफॉर्म कर सकते हो। फिलहाल अगर आपको आगे कुछ और सीखनी हो गाइस तो आप पार्ट टू के लिए ट्यून्ड अप रहो। और गाइस अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखना है तो मैंने व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक के ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करके भी काफ़ी चीज़ सीख सकते हो। तो आज वीडियो यही तक थी गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें गाइस, ताकि अगले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, बाय बाय।